सो हाय नमस्ते सला व्हाट्सअप किम शो पीपल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर प्रेम 13। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरी चैनल पे जो सीरीज़ है कि यू सुपर बाइक स्पोर्ट्स बाइक का मैं कलेक्शन मार्केट आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसी में से मैं आपको आज एक बार बुलेट राजा जो काफ़ी अच्छा फेमस नाम है उधर मैं आपको लेके आया हूँ। बुलेट राजा नेम स्पेसिफिक बुलेट से करता है, बट वो गलती में मत जाना, इनके पास जो स्टॉक है, इनके पास जो कलेक्शन है सुपर बाइक्स का, रॉयल इनफील्ड का, KTM RC390 डोमिनार बोलो या हमा बोलो, एकदम इनसेन कलेक्शन है। आप पीछे दिख रहे हो क्या खड़ी है, कावासाकी निंजा 1000 और वहाँ पे हायाबुसा भी अभी अभी आई हुई है, और आप पीछे देख रहे हो गाइस बुलेट राजा, उधर नीचे पूरा रॉयल इनफील्ड का सेक्शन है, ऊपर सुपर बाइक का सेक्शन है, और पीछे की तरफ KTM RC390s और मिक्स कलेक्शन की बाइक्स है गाइस। तो बुलेट राजा मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, कौन सी बाइक अवेलेबल है कौन सी नहीं यहाँ पे भी मैं डिटेल में स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैंने वीडियो में बोली है कि यहाँ पे सब बाइक के साथ उनके नेम टैग लगे हुए हैं, कौन सी बाइक की कैसी डिटेल है कैसी नहीं, तो बहुत अच्छा पड़ जाता है। तो आपको बेसिक डिटेल्स तो मिल गई है, बट सुपर बाइक में जो एग्जॉस्ट का साउंड रहता है, मैंने एक बाइक का भी आपको अभी मैंने सुना दिया रहेगा, अब तक तो वीडियो देख लिया रहेगा। तो गाइस फाइनली हम KTM के सेक्शन में आ गए, मतलब जो मिक्स वैरायटी का सेक्शन है, KTM R15 डोमिनार MT15 सब कुछ, बुलेट का तो पूरा अलग ही फ्लोर है, सुपर बाइक का पूरा अलग ही फ्लोर है गाइस। वो रहा बुलेट राजा, और एग्जैक्टली उसके सामने यहाँ पे दूसरा उनका शोरूम है जो मिक्स बाइक सेक्शन है गाइस। तो इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर आपको पूरा स्टॉक दिखाता हूँ, अभी इसके अंदर कौन से ईयर की है कैसी है वो सब आपको मैं ये इन डिटेल वीडियो में नहीं बताऊँगा गाइस, क्योंकि इतना डिटेल वीडियो नहीं है ये, बट बाद में जो मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और बाद में अगर जो मैं वीडियो बनाऊँगा आप बोलते हो, तो मैं आपको इसका सबका कौन सी ईयर की है कितने ब्रांड में आपको सब बताऊँगा। फिलहाल अगर आपको जल्दी जल्दी में जानना है कि कौन सी ईयर की बाइक है, तो बुलेट राजा बाइक्स का इनका इंस्टाग्राम के पेज है, बुलेट राजा बाइक्स डालना आपको आ जाएगा, और उससे आप सब डिटेल्स इंक्वायर कर सकते हो। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, आइए मैं आपको स्टार्टिंग ही करवा रहा हूँ गाइस। ये है KTM ड्यूक 215, फिर है हमारे पास गाइस डोमिनार 400 2017, फिर RC का लाइनअप देखो गाइस, ड्यूक का लाइनअप देखो गाइस, बहुत सारी बाइक्स है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बाइक की डिटेल्स से, बाइक की डिटेल्स प्रॉपरली नहीं बताऊंगा, पर कौन सी बाइक है कौन सी CC की है वो सब बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये है डोमिनार मैट ब्लैक कलर में December 2017 की, फिर RC390 है, फिर R15 अवेलेबल है, R15 थोड़ी डबल मोबल वाइजर के साथ है। तो फिर हम देख पा रहे हैं पीछे गाइस हमारे पास है ड्यूक 390 प्रॉपरली वाइजर के साथ लगी हुई है, फिर वापस डोमिनार है, फिर हमारे पास है यहाँ पे यामा FZS November 2019 की मॉडल की बाइक, फिर अगेन R15 है गाइस वापस, फिर हमारे पास है KTM RC390 वापस, और वापस एक ब्लू कलर की यामा R15 है, फिर डोमिनार एकदम न्यू वाली 2019 की ग्रीन कलर की अवेलेबल है, इसका प्राइस है 1.90 लाख। फिर हमारे पास है ड्यूक 125 गाइस, उसका प्राइस है 1.35, April 2019 की है गाइस। फिर हमारे पास वापस आती है यहाँ पे है यामा R15 गाइस, आप स्टॉक देखो कितना बड़ा है। फिर हमारे पास वापस आती है गाइस KTM 125 आते हैं गाइस, और उसमें भी RC 125 भी अवेलेबल है, मतलब नेकेड पसंद है तो नेकेड, और फेयरिंग वाली बाइक पसंद है तो फेयरिंग वाली। फिर अगेन हमारे पास है KTM RC 200, फिर KTM 125 और KTM RC 200 वापस, RC R15 डोमिनार्स का प्रॉपरली स्टॉक है। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे पीछे और एक डोमिनार 400 अवेलेबल है February 2018 गाइस, 1.30 लाख इसका प्राइस है। फिर हम बात करते हैं ड्यूक 200 की, फिर बात करते हैं RC 200 की, फिर ये है ड्यूक 250 गाइस, और एक ड्यूक 250 और एक ड्यूक 250 गाइस, चार तो ड्यूक 250 अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं वापस यहाँ पे आते हैं ड्यूक 390 मेरे हिसाब से अभी तक मैंने तीन दिखा दी, 125 तीन दिखा दी। अब बात करते हैं RC 200 की गाइस, फिर वापस आ गए हमारे पास ड्यूक 390 गाइस, और एक ड्यूक 390 गाइस। ये देखो गाइस, ये तो इसकी तो डिटेल्स खास कर दिखाऊंगा, पीछे से थोड़ा गाइस वो इग्नोर करना, वो ऊपर से गिरा है, बट ये देखो गाइस ये तो लेटेस्ट है मेरे हिसाब से 2018 या 19 की बाइक, 19 की बाइक है गाइस, ये 19 भी नहीं उससे भी लेटेस्ट बाइक है, क्योंकि ये वाला कलर अभी निकला और ये शायद से BS6 है, मतलब इतनी ब्रांड न्यू बाइक है गाइस, लाइक बहुत अच्छी बात है। फिर हम आते हैं वापस RC 200 है गाइस यहाँ पे, फिर ये देखते हैं गाइस, तो गाइस फिर देखते हैं गाइस ये बाइक तो सोल्ड आउट है तो इसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। फिर वापस RC गाइस RC 200 है,
RC200 गाइस अगेन वापस RC200, फिर और एक RC200 है गाइस, ड्यूक वापस गाइस, ड्यूक 125 है गाइस, फिर RC390 लास्ट में और एक RC390 गाइस। अभी इसका मैं आपको एक बार प्राइस दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो गाइस सितंबर 2020 की ओनली 1088 किलोमीटर लेटर, 1088। इसका इंश्योरेंस देखो गाइस 2025 तक अवेलेबल है और इसका आस्किंग प्राइस 2.70 है गाइस। मतलब क्या बात करनी, सितंबर 2020 की बाइक है गाइस, प्रॉपर नई स्कीम वाली बाइक है और 2.70 इसका प्राइस है। मेरे हिसाब से नहीं तो आप पकड़ लो KTM के शोरूम में ड्यूक की 3.10 की मिलती है। यस, RC उससे थोड़ी ज़्यादा अपर ज़्यादा भाव की मिलती है क्योंकि डेफिनेटली लुक्स और फेयरिंग वाली बाइक है। तो आपको सितंबर 2020 की बाइक, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो मान लो 5 महीना पुरानी बाइक आपको मिलती है 2.70 में। मतलब नहीं तो आपका आराम से 40-50 हज़ार रुपया बच गया। वो पैसे का आप आराम से जैकेट ले सकते हो, अच्छा हेलमेट ले सकते हो और आप आगे की राइड्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो गाइस, तो बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पे बाइक अवेलेबल है। अभी इन डिटेल में आपको कौन सी बाइक का ईयर बताओ कौन सी नहीं, इसके लिए मैंने आपको बीच में जो आता था मैंने आपको उस हिसाब से बताई। यहाँ पे और एक लास्ट में RC है बट वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है गाइस। RC के नए तो 10 मॉडल्स है, ड्यूक 125 के 3 से 4 मॉडल है, RC 125 है, डोमिनार अवेलेबल है, डोमिनार ग्रीन वाली भी अवेलेबल है, मतलब कावासाकी ग्रीन कलर की जो निकली है वो। और वैसे उस हिसाब से वैरायटी ऑफ बाइक्स है गाइस, कितना यूज गाइस ये देखो कितना बड़ा है ये सी, मतलब कलर आपको जो पसंद है, बाइक आपको जो पसंद है, सीसी आपको जो चाहिए उस हिसाब से सब मिल रहा है गाइस यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए गाइस यहाँ पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो में 3-4 बार किधर मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा ऑफिस का, आप कॉल करो। आप इंस्टाग्राम पे आप देखोगे ना आपको वहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगी, इनका खुद का वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी अपडेटेड रह पाओगे आप। एक बार वेबसाइट आप देखोगे कि कौन सी बाइक है कौन सी बाइक नहीं है। और एक अच्छी चीज़ मुझे बहुत लगी गाइस कि जैसे कि हम सब शोरूम में जाते हैं तो बार बार पूछना पड़ता है भाई ये प्राइस बताओ वो प्राइस बताओ, तो गाइस इसमें देखो उन्होंने अपने नाम का एक प्रॉपर जो पेपर बना के रखा है, टैग जिसे बोल सकते हैं, बुलेट राजा बाइक डील्स इन हाई एंड बाइक्स एंड ऑल। और यहाँ पे देखो गाइस ब्रांड मॉडल ईयर किलोमीटर इंश्योरेंस एडिशनल एसेसरीज कुछ लगी हुई, तो मार्केट प्राइस उनकी प्राइस क्या है, लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, EMI, ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन है। बट सबसे मेन बात तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कौन सी मॉडल की बाइक है, कौन सी ईयर की बाइक है, क्या इनका प्राइस है, इंश्योरेंस है कि नहीं, तो बार बार आपको घूमना नहीं पड़ेगा और एकदम इजी टू यूजर फ्रेंडली है। मतलब आप आओ और आप देखो आपको समझ जाएगा कौन सी बाइक आपकी पसंद की कौन सी बाइक आपकी पसंद की नहीं है। सब बाइक में नेम टैग लगे हुए हैं गाइस, कौन सी प्राइस कितने की है, कौन सी बाइक के बारे में कितने की है, सब कुछ मेंशन है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आओ देखो। और सच्ची में इनका बहुत बड़ा कलेक्शन है, सुपर बाइक का भी बड़ा कलेक्शन है और मिक्स बाइक का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है, KTM, ड्यूक, डोमिनार, फिर यामा की बाइक, और जो ये नाम है इनका बुलेट राजा, तो उस हिसाब से बुलेट का तो अलग ही सेक्शन है जो आपको दिखा दिया रहेगा, या तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी जो प्रॉपर बुलेट, रॉयल एनफील्ड, कॉन्टिनेंट, रॉयल एनफील्ड की ब्रांड की जो बाइक्स आती है जितनी भी आती है उसका कलेक्शन दिखाने से, क्योंकि नेम ही इनका वही बोलता है। तो यस, अभी आप धीरे धीरे मेरे साथ आओ, आप पीछे देखो लाइक ये एक प्रॉपरली जितनी बाइक रॉयल एनफील्ड में अवेलेबल नहीं रहती ना उससे ज़्यादा बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट जो इनका बुलेट राजा बाइक्स के नाम से हिसाब से है तो ये देखो गाइस रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल है, फिर GTs है, थंडरबर्ड है, मतलब वैरायटी ऑफ बाइक्स है गाइस। आप देखो उतनी बाइक है, मतलब कलर तो इनका लाजवाब है, आपको जो कलर आपको नहीं मिल जाएगा ना वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उतने स्टॉक में बाइक है। मतलब आप अगर आप जाते रहे हो और मैं जाते रहूँ, आप आते रहो मैं जाते रहूँ, उस हिसाब से ये देखो गाइस यहाँ पे रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल इंटरसेप्टर है, फिर बेनिली है, फिर रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350s, फिर बुलेट 500, तो उस हिसाब से बहुत सारी बाइक्स है गाइस रॉयल एनफील्ड की भी। तो हम एक एक से शुरुआत करते हैं, बीच बीच में जो बाइक आप मेरे को लगेगी उसका आपको मैं प्राइस फटाफट बता दे रहूँगा। सो यार विवाह से स्टार्ट करता, तो गाइस ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500, फिर हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 अगेन 2017 की है, 13,000 किलोमीटर चली हुई है गाइस और 1.50 इनका आस्किंग प्राइस है। फिर अगेन रॉयल एनफील्ड 500, रॉयल एनफील्ड अगेन 500 गाइस। फिर हम बात करते हैं ये वाली बाइक की, ये है रॉयल एनफील्ड सेम रेड कलर में अवेलेबल है। फिर एक है गाइस रॉयल एनफील्ड बुलेट 500,
इसका स्टैंडर्ड 500 इसका जो मॉडल है और 10,000 किलोमीटर सेम चली हुई है गाइज, और 1.5 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। फिर हम बात करते हैं गाइज 350 cc में रॉयल इनफील्ड बुलेट, तो ये रही 350 की एक, और एक 350 गाइज दो कलर में, वाइट कलर में 350 अवेलेबल है। और अगेन गाइज क्लासिक 350 2018 मॉडल, और इसका भी प्राइस सेम 1.60 लाख प्राइस है इसका। फिर सेम ब्लू कलर में हम आते हैं गाइज 350 2019 की बाइक है गाइज, 2019 की 1.85 लाख इसका। फिर आते हैं वापस अगेन गाइज क्लासिक 350, फिर ये ग्रे कलर की क्लासिक 350, ये ग्रे ब्लू कलर की बहुत अच्छी दिख रही है। इसका एक बार आपको प्राइस दिखा देते हो वापस, 2019 की अक्टूबर 2024 तक इंश्योरेंस अवेलेबल है, और 1.85 लाख इसका आस्किंग प्राइस है गाइस, मतलब इसका प्राइस है। फिर बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 अगर ग्रे कलर में, नवंबर 2024 तक इंश्योरेंस है और 2019 की है, तो उस हिसाब से 2 लाख प्राइस रखा है इसका। ये देखो गाइस, ये प्रॉपर 350 है, लाइन से 350, फिर 500, और फिर लाइन से पीछे है क्लासिक 500। फिर गाइज हम बात करते हैं यहाँ पे ये मास्टरपीस कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, कलर देखो इसका गाइज ब्लैक और प्रॉपर ग्रे, और ये अवेलेबल है यहाँ पे 2019 के ईयर की जून 24 इसका इंश्योरेंस तक का वैलिडिटी है, और सिर्फ 4000 चले हुए हैं गाइज, सिर्फ 4000 इसका प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सेम यहाँ पे वाइट कलर की अवेलेबल है गाइज, ब्लू स्ट्राइप्स के साथ बहुत अच्छी दिख रही है गाइज, सो रियली बहुत अच्छी दिख रही है गाइज, और 2025 तक इसका इंश्योरेंस अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं गाइज जावा की, यहाँ पे 3 बाइक्स हैं, उसमें से एक तो सोल्ड आउट हो गई है, 2 अवेलेबल है, एक 2019 की है और एक 2020 की है, 2020 वाइट कलर में जो बहुत अच्छी दिख रही है, और ये एक प्रॉपर डार्क ग्रीन कलर है जिसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे बाइक की मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको एक बार, फिर 2020 की है, 11,000 चली हुई बाइक है गाइस, और इंश्योरेंस भी अच्छा खासा वैलिड है, और 1.80 लाख इसका प्राइस है। फिर हम अगेन बात करते हैं एक प्रॉपर ब्लू कलर में 2017 की 20,000 चली हुई है गाइस, बुलेट ऐसी भी गाइस है, इसका रिलायबिलिटी बहुत है और इसका इंजन भी बहुत अच्छा है, लाइक चलने में तो बहुत अच्छी है टूरिंग के लिए, और जो रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं वो तो रॉयल एनफील्ड छोड़ के कभी किधर जाते ही नहीं है, तो ये नाम जो बेस्ड है ना वो प्रॉपर जस्टिफाई करता है इनके कलेक्शन को, क्योंकि एकदम वाइड क्वालिटी और वाइड रेंज का इनका सलेक्शन है। फिर हम आते हैं गाइस थंडरबर्ड 350X 2018 मॉडल, 13,000 किलोमीटर और 1.70 इसका प्राइस है, थंडरबर्ड भी काफ़ी एक अच्छी स्टार्ट करते हैं। बेनेली की इंपीरियल 400 से गाइस, इसका न्यू का प्राइस है ना गाइस 2.80 लाख है, बट यहाँ पे 2020 की बाइक आपको 2.25 मिल रही है, मतलब नहीं तो आपने आराम से आपके 40-50,000 सेव कर लिए, और काफ़ी अच्छा ये डील है, प्रॉपर कलर में अवेलेबल है, इसमें जो सीट कुशनिंग भी लगा हुआ है, और 400 cc के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लाइक प्रॉपर रेट्रो लुक है, और बेनेली वापस इटालियन मोटर। फिर वापस यहाँ पे आते हैं तीनों 2020 एडिशन ही है गाइस, तीनों 2020 एडिशन, और लेस देन 3000 चली हुई गाइस, 2000 किलोमीटर चली हुई, 2.25 सेम प्राइस गाइस, 2.25 प्राइस है इसका, ये भी 2000 चली हुई, न्यू का प्राइस 2.85 है गाइस, 2.85 ऑलमोस्ट अपने मुंबई में, अपने मुंबई में तो सबसे ज़्यादा टैक्स है, तो उस हिसाब से गाइस ये 2.25 में आपको मिलते, तो नहीं तो आपने आराम से आपके 40-50,000 रुपीज़ तो ऐसे ही बचा लिए। और भी आते हैं हम गाइस इंटरसेप्टर 650 रेड और ब्लैक कलर में, प्रॉपर ब्लैक कलर में, प्रॉपर ग्रे कलर में गाइस, तो पहले इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 2019 7000 चली हुई गाइस, 2024 तक इसका इंश्योरेंस अवेलेबल, और 3 लाख ऑनली प्राइस है इसका 650 cc इंटरसेप्टर, काफ़ी अच्छी। फिर हम और एक ग्रे कलर की इंटरसेप्टर आपको दिखा दें, इंटरसेप्टर 650 ग्रे 2019 की मॉडल, 11,000 चली हुई और 2.90 लाख इसका प्राइस है। इंटरसेप्टर जो अभी निकली है और जो ये प्रॉपर एक क्राइम का जो एक शॉर्ट वर्जन बना रखा है इसको, काफ़ी अच्छी दिखती है, और पीछे से तो इसका जो लुक है मस्कुलर लुक बोल सकते हैं हम, जो प्रॉपर दो एग्जॉस्ट निकलते हैं, और रॉयल एनफील्ड ने 600 cc में ये जो बाइक बनाई है काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है इनका। बाकी लास्ट बाइक में आपको बता दें रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 सेम 2020 रजिस्टर्ड बाइक, 2000 चली हुई है गाइस, सिर्फ 2000, और इसका आस्किंग प्राइस है 3,10,000।
सो बहुत अच्छी है, ऑरेंज कलर में जो दिख रही है गाइस, ये है इनका व्हाइट क्वालिटी का कलेक्शन। ऊपर मैंने आपको सुपर बाइक का कलेक्शन दिखाया, नीचे इसका रॉयल एनफील्ड का, और वहाँ के शॉप में मैंने आपको दिखाया कि इनका मिक्स कलेक्शन क्या है, केटी मार्स एस ट्वेंटी का। तो वैसे इंस्टाग्राम पे आपको बुलेट राजा बाइक्स के हिसाब से आपको इनका पेज मिल जाएगा आपको, और आप वहाँ पे इनकी डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और एक चीज़ का मुझे रिव्यू बराबर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, और अगर पसंद आया तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और प्रॉपर जो इसे बोला कि सुपर बाइक्स का आपको स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा, RC 380 जितनी भी थी, कौन सी किलोमीटर रिटर्न है, कौन सी नहीं है, जो बीच बीच में छोड़ दी वो दिखाऊंगा, रॉयल एनफील्ड है, इंटरसेप्टर का आपको पक्का वाला आवाज़ सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी मॉडिफाइड रहेगी, नई भी रहेगी, जो भी है मैं आपको प्रॉपर वापस एक बार आके इनका स्टॉक से अपडेट करते रहूँगा। बट उसके लिए आपको मेरे को इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, वो शेयर करना पड़ेगा। सो उसी के हिसाब से ये भी मैं खत्म करता हूँ गाइस। आई होप आपको ये वाली सीरीज मेरे को अच्छी लग रही हो, मैं जहाँ जहाँ पे डिफरेंट जगह पे जाके मैं उनका स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये बुलेट राजा उनमें से एक बहुत अच्छा नाम बन चुका है, जहाँ पे इनका नाम बुलेट के हिसाब से बुलेट तो काफ़ी है, बट साथ में सुपर बाइक का कलेक्शन अल्टीमेट है, मिक्स कलेक्शन अल्टीमेट है। आपको पीछे भी आवाज़ आ रही रहेगी, वो हायाबुसा जस्ट आई है, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। सो बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन और बहुत अच्छे से रखी हुई बाइक्स, मेंटेन बाइक्स, और शोरूम की भी बाइक्स उस हिसाब से ही है, अपने को समझ में आ रहा है, वहाँ से ऊपर मैंने आपको दिखाया सुपर बाइक्स का है, और यहाँ पे ये सब बाइक्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड या मिलते हैं इसी ऐसे वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए मेरे पीछे वाले वीडियोस देखो, और इसकी जो भी डिटेल्स रहेगी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी रहेगी अब तक। सो या थैंक यू।